नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। ग्रेजुएट चाय वाली, ये नाम आपने भी यकीनन बीते कुछ दिनों से जरूर सुना होगा और लड़कियों के लिए तो ये किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ऐसे में प्रियंका की मेहनत से हर कोई वाकिफ भी है और प्रियंका के इस जज्बे को सलाम भी कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो खबर निकल करके सामने आई है उसके अनुसार पटना में ग्रेजुएट चाय गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता अब स्टॉल पर चाय नहीं बेचने वाली है। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रियंका का अब छोटा सा चाय का स्टॉल देखने को नहीं मिलने वाला है। जल्द ही प्रियंका अब बड़े से फ्रूट ट्रक पर चाय का स्टॉल लगाकर चाय बेचने वाली है। ये फ्रूट ट्रक पूरी तरीके से डेकोरेट किया जाएगा, यानी कि अब चाय वाली ग्रेजुएट प्रियंका गुप्ता छोटे से चाय स्टॉल की जगह एक आकर्षक स्टॉल पर चाय बेचने वाली है। आप में से जो भी अभी भी प्रियंका के बारे में नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए हम उन्हें बता दें कि प्रियंका गुप्ता एक ग्रेजुएट है, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने स्टार्टअप शुरू करते हुए चाय बेचने का फैसला किया। प्रियंका का कहना है कि जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो उनकी नजर मैनेजमेंट करके चाय बेचने वाले प्रफुल्ल बिलौर के एक वीडियो पर गई। प्रियंका को लगा कि जब MBA की पढ़ाई करके कोई चाय वाला बन सकता है तो वो ग्रेजुएशन करके चाय वाली क्यों नहीं बन सकती। इसके बाद प्रियंका ने अपने दोस्तों की मदद से पटना में चाय का स्टॉल लगाकर स्टार्टअप किया, जो कि वो बेली रोड पर पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने प्रियंका ग्रेजुएट चाय वाली की चाय की स्टॉल है। प्रियंका ने अपने स्टॉल पर बेहद ही ठेठ अंदाज में लिखा कि पीना ही पड़ेगा और सोच मत, चालू कर दे बस। जिसके बाद ही अब प्रियंका अब अपनी दुकान को विस्तार देने की योजना में जुट गई है। प्रियंका के जज्बे और लगन को देखते हुए कई लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इनमें से ही एक ने उन्हें फ्रूट ट्रक देने की बात कही है ताकि प्रियंका अपने उस छोटे से स्टॉल को बड़ा बना सके। प्रियंका ने इसके लिए हामी भर दी है। प्रियंका गुप्ता के यहाँ चाय पीने वालों की लाइन लगी रहती है। चाय के शौकीनों का कहना है कि यहाँ बहुत अच्छी और स्वाद वाली चाय मिलती है। प्रियंका के पास कई तरह की चाय है जिसमें दाम 10 से लेकर 30 रुपए तक है। 24 वर्षीय प्रियंका की माने तो उनका कहना है कि अच्छा लग रहा है कि लोग उसकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो मदद लेंगी। अब धीरे धीरे करके वो उनके पैसे चुकाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रियंका ने हाल ही में अपने टी स्टॉल की शुरुआत की है, जहां वो सुबह 6 बजे से ही अपना स्टॉल लगाने का काम करती है और चाय बेचती है। प्रियंका की लगन और मेहनत ही है कि इतनी छोटी उम्र में उन्हें इतनी शोहरत मिली है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी प्रियंका की तरह की दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से हो। आप प्रियंका के जज्बे पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।